प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भोपाल स्थित सिंधी मेला समिति के तत्वावधान में सिंधी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में संबंधित विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दो दिवसीय मेले के आयोजन में तरह तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने मिलकर होली मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया है। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष दरियानी ने क्या बताया। नमस्कार, सिंधी मेला समिति भोपाल की ओर से 27वें वर्ष में आयोजित इस दो दिवसीय सिंधी मेले को, जो सुंदरवन नर्सरी भोपाल में होने जा रहा है, इस दो दिवसीय मेले को इस बार प्रथम हम लोगों ने युवा और युवतियों के लिए समर्पित किया है। यह मेला न केवल मनोरंजन की दृष्टि से उत्कृष्ट होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए भी कारगर सिद्ध होगा। ऐसे कई कार्यक्रम हमने तय किए हैं जो केवल इस मेले में ही नहीं, इस मेले के बाद भी उन लोगों को उपलब्ध रहेंगे। जैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने शुरू किया है, इसको हम निरंतर वर्ष भर चलाएंगे, ऐसी हमारी योजना है। ठीक है।